हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कितना बज गया? 10 बजे ब्रेकफास्ट। 10 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट खा रहे हैं हमारे नए और छोटे से डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि मम्मी गाली देते थे बिस्तर में खाता है और मम्मी खुद भी सोफा में खाता है। इसीलिए कल मम्मी को मैंने खरीदने लगाया ये टेबल और दो चेयर। एटलीस्ट दो आदमी तो आराम से खा पाएगा, तो इसलिए ये डाइनिंग कॉर्नर मैंने बना दिया मेरे किचन के यहाँ पे। अभी हम लोग खाएंगे नाश्ता, मम्मी का फेवरेट पैनकेक गीला रोटी और ये ग्रीन टी। फेवरेट तो है क्या मम्मी का? फेवरेट होगा और पैनकेक, वो तो मुझे नहीं खाएगा। तो चलिए नाश्ता खाए। सो नाश्ता खा लिया। नाश्ता खा के आज मैंने पूरा किचन को यू नो रीसेट कर दिया, मीन्स साफ सफाई पूरा किया, तो दिखाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, छोटा सा डाइनिंग कॉर्नर मैंने बनाया है। तो ये तो स्टोर है, इस पर मैंने पूरा बर्तन बर्तन डाल दिया अभी। तो देखिए कैबिनेट्स नहीं लगा पाई, देखूंगी बाद में अगर सका तो। तो ये है मेरा छोटा सा किचन, साफ सफाई हो गया, वो आज पूरा कचरा जलाना है। तो ये रहा मेरा छोटा सा किचन, ये मेरा फ्रिज। तो आज किचन का काम तमाम कर दिया। और ये मेरा स्टोर है, यहाँ पे बर्तन वगैरह इन्वर्टर वगैरह कुछ कुछ ऐसा रखा है। और ये है जो खाने का चीज़ देख रहा, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये मम्मी का है पूरा, ये एक रेक पूरा मम्मी का है। तो या चलिए मिलती हूँ, ठीक है। किचन के बाद पूरा रूम वगैरह साफ कर लिया मैंने। और पता है मैंने साथ ही साथ मैंने खाना भी बना लिया, कुछ मैंने खा दिया, ठीक है। तो आज होने वाला है हमारा बॉयल पॉक विद सरसों का साग, ड्राई बे मसूर डाला मैंने और चावल भी हो गया। एंड खाने के बाद तानी भाई जो मेरा वीडियो जर्नलिस्ट है, वो भाई भी है, वो मम्मी और हमको और उसका एक फ्रेंड को हम लोग को मूवी डेट पे ले जा रहा है। मूवी डेट बोला तो आज 5 दिसंबर है, तो पुष्पा 2 यू नो पूरा इस साल का ये सबसे लंबा मूवी होने वाला है ड्यूरेशन वाइज भी। और फर्स्ट डे फर्स्ट शो में ही सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का शो शेड्यूल मैंने देखा था, ये TNZ जहां हम लोग देखने जाने वाले। तो 10 से ज़्यादा शो चलने वाले एक ही दिन में, और मैक्सिमम पूरा बुक हो गया था एक्सेप्ट सुबह का आवर 7 बजे समथिंग वाला एंड रात का 11:30 बजे वाला। तो अभी मम्मी नहा रही है, मम्मी के जस्ट नहा के होने के बाद लंच करेंगे एंड देन उसके बाद तैयार होंगे। जल्दी पहुंचना पड़ेगा, आज बहुत भीड़ होने वाला है। तो यहाँ बने रहिएगा, ठीक है। तो लंच वगैरह कर लिया है और अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। अभी हम लोग जाएंगे मूवी देखने के लिए, तानी भाई दिखा रहा है। मम्मी भी रेडी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो क्या पहन रही हूँ मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं पहन रही हूँ वेरी कैजुअल ही पहन रही मैं, ये तो मेरे बहन से लिया था, मुझे अच्छा लगा, ऐसा वाला मुझे अच्छा लगता है। यूजुअली जब रिपोर्टिंग वगैरह करने जाती हूँ तो ये बैग ऐसा वाला बैग नहीं बुक सकता है, बट जब ऐसे कहीं जा रहा है तो ले सकते थे इसीलिए। तो चप्पल दूसरा पहनूंगी, वेरी कैजुअल एंड कम्फर्ट। एंड मम्मी ये पहना, मम्मी यहाँ स्वेटर और शॉल दोनों ले जा रहे, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम दोनों मूवी डेट में गया था ठंडा लग गया बैग को अपना पेट में रखा था। हाँ, बंद कर दे, बंद कर दे हम खिड़की वगैरह। तो मम्मी भी पूरा शॉल वगैरह लेके जा रहा है, मैं भी शॉल ले जा रही हूँ। शॉल को मैंने बाहर पे रखा है और वो वाला शॉल जो है वो मैंने लिया था, ये कहाँ से लिया था, ये शॉल हम शिलोंग से लिया था क्या ना? ये वाला शॉल जो मैंने शिलोंग से खरीदा था, प्रिटी है स्ट्रिप ओके। थोड़ी देर में निकलते हैं, चलो तब तो सिनेमा हॉल में मिलते हैं। तो पुष्पा मूवी हम लोग देखने जा रहे थे, तो पुष्पा मूवी का जो फीवर इतना ज़्यादा है कि पूरा पार्किंग फुल, क्योंकि ये TNZ वाला जो सिनेमा हॉल है वहाँ में तीन या दो स्क्रीन है, तो दोनों स्क्रीन में पुष्पा ही चल रहा है, तो उसका वजह से पूरा भर्ती। तो मम्मी हम दोनों बहुत दूर पे गाड़ी रख के जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट वो जो पार्किंग हाईजी पार्क का जो गेट है उसका सामने में वो है मम्मी पैदल। 3 बजे का शो है, इसलिए वेस्ट वो टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए, तो पहुँच ही गया।
घुस चुके हैं अब बहुत ज्यादा आदमी, बहुत ज्यादा पूरे भारत में हमारे 30 से अधिक मम्मी अंदर पड़ रही, मम्मी अभी गर्म लग रहा है बोलेना, क्लिनिक्स हैं, पंचकर्म सेंटर्स हैं। बीमारी की जड़ पर काम करने के लिए संपर्क करें 8270482704। बहुत ज्यादा भीड़, फर्स्ट डे लेट वाला शो है पुष्पा टू। मूवी तो देखने आया था लेकिन 3 hours का मूवी का वजह से निकल के अभी वॉशरूम के सामने में बैठा हुआ है। 1 hour कंटिन्यूस 3 बजे से लेकर 3-4, 2 घंटा ऑलमोस्ट 3-4 और 5 बजे तक कंटिन्यूस वो करने की वजह से भीड़ भाड़ नहीं सकता है, अलग से सफोकेटिंग फील कर उससे। उसके बाद में मैं अभी बाहर में बैठी हुई वॉशरूम के बाहर में, तो जैसे शुरू हो जाता है उसके बाद में जाकर उसको देखूँगी। सो मूवी देखने निकल गया तानी भाई और उसका दोस्त भी निकल गया, मम्मी हम दोनों का गाड़ी उधर है जैसे पहले आप समझ लिया था होगा। तो मूवी का रिव्यू ये है कि लगान को क्यों ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला था, ऑस्कर में क्यों नहीं जीता था, बिकॉज ऑफ टाइम ड्यूरेशन। 3.5 hours का मूवी है, माई गुडनेस इतना सफोकेशन हो रहा था हमको, नो डाउट उसका मूवी स्टोरी वगैरह जो भी इतना जंबल था लेकिन उसका एक्टिंग वगैरह तो बहुत अच्छा था, लेकिन वही है कि टाइम ड्यूरेशन इतना ज़्यादा, टाइम ड्यूरेशन 3.5 hours, अभी आई गेस ये साल का सबसे लंबा मूवी होगा ये 3.5 hours। 3 बजे का शो था, अभी ऑलमोस्ट 7 बज चुका है, 6:50 जैसा हो ही चुका है। तो देखिए ठीक लगा आपको मम्मी मूवी, लंबा था ना, ज़्यादा लंबा था मूवी, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था। हाँ तो यार बाद में मिलती हूँ, पुष्पा 2 देखने का जितना एक्साइटमेंट था बैठने के बाद में कब ब्रेक होगा कब ब्रेक होगा सोच रहा था, क्योंकि सफोकेशन हो रहा था मेरे तो चलिए घर पे मिलती हूँ, अच्छा सा एक रिव्यू वीडियो बना के मैं डालूंगी। सो मूवी देखे तो आगे मैं आप सबको एक चीज़ दिखाना चाहती थी कि आज कल आज सवेरे मेरे बहन ने भी सामान भेज कुछ सामान भेजा था जो मैंने मंगवाया था। तो यूजुअली क्या होता है कि बहन या फिर जो भी अपना लवर होता है जब पार्सल कुछ भेजता है तो अच्छा से लीक मतलब यू नो नाम वाम एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर लिख के देते हैं ना, मेरे बहन ने कैसे भेजा मैं दिखाती हूँ, ठीक है आप सबको देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ये कोना में देखो ऐसा बना के भेजा उसने, घट जो काउंटर वाला था वो भी हंस रहा था। थैंक यू थैंक यू, तुमको भी हम नेक्स्ट टाइम जब भेजेगा कुछ तुमको भी ऐसे कुछ बना के हम भेजेगा। मूवी देख के आने के बाद में मेरा तबीयत थोड़ा ऑफ हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि सफोकेटिंग हो रहा था मुझे अंदर में, तो इसीलिए ना के सो गए, फिर बाद में कुछ खाया भी नहीं। रात का 11:30 समथिंग हो रहा है, पड़ोसी का बच्चा भौंक रहा है, आई मीन भौंक रहा मैं खराब वैसे नहीं बोल रही हूँ ठीक है, मतलब वो कुत्ता को उसका क्या बोलते हैं उसको एक्टिंग कर रहा है, कुत्ता भौंक रहा है तो वो बच्चा भी भौंक रहा है वापस से पता नहीं। तो यहाँ मम्मी सो चुकी है इसलिए मैं किचन पे आके सुनाई दे रहा है ना आपको, ये मेरे ही कुत्ते हैं उनको एक कर रहा है, बाद में काट वाट देगा तो फिर गया। तो चलिए मैं ब्लॉग को यही एंड करूँगी, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ खुश रहिए खुशियाँ बांटे एंड लाइक फॉलो करिए, आई नो नहीं कर रहा है बढ़ भी नहीं रहा है फिर भी मैं कंटिन्यू बन ब्लॉग्स डालते रहूँगी, नो ये मेरे अपने के लिए इसको मैं एक रूटीन बना रही हूँ, सो दैट इन डेज टू कम मैं इसे चेरिश करूँगी देख के। तो ये आज तबीयत थोड़ा ऑफ है तो कल मिलूँगी, ठीक है बाय।